वर्तमान परिवेश में भगत सिंह का विचार विषय पर स्थानीय ओझा टाउन हॉल में भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के रोहतास जिला कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को शहीद आजम भगत सिंह को 112वीं जन्मदिन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला व प्रदेश से आए विद्वानों के अलावा संघ के कई छात्र छात्राओं ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। सभा को संबोधित करते हुए भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि आज आजादी के 72 वर्ष के बाद भी वही प्रश्न खड़ा है जिसके खिलाफ भगत सिंह ने लड़ाई शुरू किया था। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह का सपना था कि देश की आजादी आम आदमी के जीवन में दिखना चाहिए। देश के हर नागरिक को अपना जीवन जीने का हक है। हमें जरूरत है भगत सिंह के सपनों को साकार करके उनके सोच जैसा भारत को विकसित करना। आज शहीद भगत सिंह का जन्मदिवस मन रहा है। आज भगत सिंह का 112वां जन्मदिन समारोह मना रहे हैं हम लोग भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के हैं, जो कि उनके विचार को प्रकट करना चाहते हैं। जो चीज़ भगत सिंह हमारे देश में लाना चाहते थे वो चीज़ हम संघर्ष कर रहे हैं कि भगत सिंह जो कार्य अधूरा छोड़कर गए हैं उनके मिशन पर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो कि शिक्षा व्यवस्था हमारी दोहरी नीति में कर दी गई है। पहले जो था, जो देश स्वतंत्र हुआ था तो शिक्षा व्यवस्था कल्याण विभाग में था, आज वो शिक्षा व्यवस्था को मानव संसाधन विभाग में कर दिया गया है। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था हमारे गरीब गुरबा के लड़कों को शिक्षा नहीं मिलता है, और स्कूल में बिल्डिंग बना दिया जाता है लेकिन टीचर को बहाली नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग अब चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। भगत सिंह छात्र नौजवान सभा से हम लोग जिला में बहुत से समस्या को लड़ने के लिए हम लोग तैयार है, और जो कि हमारे पार्टी ने महिला कॉलेज में भी संघर्ष कर, और महिला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स नहीं था उसमें साइंस और कॉमर्स की भी हम लोग लाने की आश्वासन ले लिए हैं। डीसी भी आदेश दे दिए हैं कि इसमें साइंस और कॉमर्स अगले सेशन से लागू हो जाएगा, और हम लोग चाहते हैं कि जिला में जो शिक्षा व्यवस्था दयनीय स्थिति में है उसको सुधारने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत से स्कूल में हम लोग ने जाँच किया, उसमें यही स्कूल में पाया गया कि जो कि स्कूल में टीचर टाइम से नहीं आते हैं और ना घंटी क्लास लेते हैं, आते हैं और नेतागिरी करते हैं। जो कि लड़कों से कोई लगाव उन टीचर को नहीं है, कि जो टीचर पढ़ाने के लिए बहाल हुए हैं उनको स्कूल में लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज टीचर जो है नेतागिरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि लड़कों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने बहाल हुए हैं, जो कि आज हमारे नौजवानों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सभी रोहतास जिला के विभिन्न प्रखंडों में हम लोग अब योजना बना लिए हैं कि सभी विद्यालय में हम लोग जाकर जांच करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के काम करेंगे। और जो कि क्या नाम है आपका? मैं भगत सिंह छात्र नौजवान के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मनीष कुमार नाम हुआ।